हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पर जो है, एक वीडियो एंड करने के बाद मैंने दूसरा फिर से स्टार्ट कर दिया था कि चलो आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर एक और वीडियो मैं यहाँ से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है, हम सब लोग बैठ के आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें चीत कर रहे हैं, क्योंकि खाना वाना हम सब ने खा लिया था और बच्चे जो हैं पास वाले घर में खेल रहे हैं उनके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चों को तो यही चाहिए होता है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अभी जो है, एक वीडियो मैंने एंड कर दिया था थोड़ी देर पहले और सेकंड वीडियो मैंने यहीं से शुरू कर लिया है, क्योंकि दोनों का दिया जाना, चले 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 आ लग रही हूँ, चलते चाय भी बन चाय तो पीनी ना थी। अब तो कह रहे हैं हम दोनों माँ बेटे, अभी कुछ पर्सनल बात हो रही थी तो मेरी बहन आई थी अभी साइड में, मामा जी रहते हैं उनके घर बैठी हुई है बहन और जीजा। तो अभी टाइम हो चुका है 4 बजे के लगभग, 4 बजे का टाइम हो चुका है, तो मुझे लगा चलो एक और वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि शाम तक होगा हमारा जाना। तो फिर मेरे को लगा कि चलो एक और वीडियो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आपको वैसे भी बाहर के जो वीडियो ब्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और यहाँ का आज का मौसम ना काफ़ी अच्छा हो गया। जब मैं आई एकदम से तब बारिश हुई अंदर आने के बाद, फिर थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई, हमने खाना वाना बनाया खाया, उसके बाद फिर से तड़ातड़ बहुत तेज़ बारिश हुई। अभी हाल फिलहाल मौसम ठीक है। और ये मेरी मम्मी, जो नए व्यूवर हैं उनको बता देती हूँ, और जो पुराने हैं वो तो जान ही गए होंगे, पहचान गए होंगे मम्मी को, क्योंकि मैं 3-4 बार पहले भी मम्मी को अपने ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। और पता है, जब भी कैमरा लगाती हूँ ना तो सबसे पहले मम्मी ये बोलने लग जाती है कि बोलना कि है पहले नो बता दे पहले यूँ कह देगी, जैसे ही मैं ट्राइपॉड उठा के चलूँगी ना तभी यूँ कह देगी, पहले यूँ बता बोलना कि है, चलो बोलो कुछ भी बोल। सावन का मास शुरू हो रहा है, आधा बीत गया है, 23 तारीख को बीच है, इसलिए मैंने अपने दोनों बेटियों और दामाद देवता देवतियों को यहाँ पर बुलाया है। जो मेरा देना होता है तीजों के त्यौहार पे, साड़ी वाड़ी चूड़ियाँ मेहंदी वगैरह, इनकी 4-4 साड़ी और इनके बटेगों के, इनकी सास वगैरह को दे दिए मैं, इसलिए इन्होंने बोल दिया था मम्मी हमारे लिए नाश्ते में भी कुछ मत लेके आना, सिंपल रोटी खाएंगे हम। तो घर में ही मैंने खीर वीर बना दी थी उनके लिए, और वो उसी में दामाद तो बहुत खुश हुए, कह रहे मम्मी बहुत अच्छी खीर बनाई है, बहुत अच्छी खीर बनाई है आपने। सबका ये ऐसा नेचर है हमारे घर में, ऐसा नहीं कि भाई जीजा का ही, जीजा का ऐसा स्वभाव है थोड़ा ये बोलने वालों में से, मेरे हस्बैंड थोड़ा बातें कम करते हैं, लेकिन नेचर उनका भी ऐसा ही है, मम्मी से पूछ लो कि जो बना दो उसी में ही, कि ठीक है मम्मी बस इतना ही ठीक है, आप ज़्यादा मत करा करो। जब भी आए हैं इन्होंने तो कल फ़ोन किया मेरे पास, मम्मी चटनी बनाना सिल पे और रोटी बनाना। मैंने सोचा चटनी का भी ये बनाना, आलू टमाटर की सब्जी बनाई, भिंडी की बनाई, प्याज व्याज दे दी इनको, हालांकि हम खाते नहीं हैं प्याज, लेकिन इनके लिए स्पेशल मैंने मंगाई हुई थी, और खीर बना दी, चावल और जो ये दाल, खुश हो गए। अब चाय वाय पी के थोड़ी देर बाहर गए हैं, वही इधर ही बैठे हैं साइड में ही, मम्मी के चाचा रहते हैं तो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो दोनों, तो मुझे लगा चलो मम्मी बल्कि कह रही हूँ मैं के वीडियो बनाऊँ, तो मम्मी जब भी आप मेरी वीडियो में आए हो ना, तो कुछ लोगों को तो मतलब समझ में ना आया कुछ को, तो कि मम्मी थी कौन सी, क्योंकि सिर्फ एक बार दिखाया और कैमरा हटा लिया, क्योंकि मम्मी बोल नहीं पाती थी,
तो अभी मम्मी को यूँ कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे हम घर में बात करते हैं उस तरह से करें या हिंदी में बोले या कैसे बोलूँ, के बात करो। अरे मम्मी जो आपको बोलना है वो बोलना, और थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग ना आपको कम नजर आ रही होगी चीजें, तो मुझे लगा चलो मम्मी से मैं आपकी थोड़ी देर बात भी करवाती हूँ आज आपने सामने, और आप जरूर बताना कि आपको मम्मी से बात करके कैसा लगा, और मम्मी ने भजन भी सुनाया आपको वो कैसे लगे वो भी जरूर बताइएगा। पता है कोशिश पूरी की है कि आवाज अच्छी आ जाए, लेकिन आवाज जितनी मतलब जितना फ्रैंक हम हो जाते हैं, कैमरा फ्रेंडली हम हो जाते हैं, एक साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उतना फर्स्ट टाइम पे कोई नहीं हो पाता। मम्मी ने तो फिर भी बहुत अच्छा सुनाया, बहुत ही अच्छा। और मम्मी को ना बहुत सारे भजन आते हैं बहुत ज्यादा, मेरी मौसी को तो उससे अगर आपको अच्छे लगेंगे तो सुनाती ही रहूंगी मैं। बहुत शौक भी है भजन सुनाने का बहुत ज्यादा। थोड़ी देर रहो, और तुम्हारा दादा हो रहा है? ये मेरी बेटी है मोनिका, ये उनका बेटा है, और ये छोटी प्रियंका है देसी छोरी ब्लॉक से, ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है, इनका नाम रिया है और इनका नाम, ये रिया और अनमोल है मोनिका के बच्चे, इनको तो आप जानते ही हो। मोसा नाम इनका, मोसा तो इसके डैडी का नाम है मोसा तो। और ये वीडियो में कह रहा है कल है ना दोस्तों मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा और वहाँ पे मम्मा बनाएगी वीडियो और मैं मिलूंगा आपको नानी के साथ। और आप मुझे नानी के साथ है? अच्छा दोस्तों से ये पूछ लो दोस्तों, आपको मेरी नानी कैसी लगी? आपको मेरी नानी कैसी लगी? जोर से बोला। और मौसी के भी बता देना कैसी लगी। मौसी को तो दो दे। चले क्या एक बार? क्या उस घर में चले एक बार? आवाज करे तो अच्छा नास आपा जी सारे इस ताले ने मिलया करे नास से आपा जी सारे करोड़ का ना तो नासड़ी होया करे फूल मर रहा आवाज बत्ती कर रहा क्यों मेरी सासू की बेटी रुक जा यो गया पक्के में यो फिर पकड़ लिया ए यो उड़ा ऊपर पक्के में कट गया था बेटा अभी तू जो देख के गई थी कट जाएगा और मंगा लेंगे यार तो बस अभी यहाँ पे बस मम्मी बोली रही थी कि चलो एक बार अपने घर में भी होके आते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ ये जो घर है ना ये मतलब हमारा नहीं है, मतलब मेरे पापा का खुद का खरीदा हुआ नहीं है, ये घर है मेरे नाना जी का। तो यहाँ पे मम्मी इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे आस पड़ोस में मम्मी के चाचा ताऊ सब रहते हैं, तो थोड़ा अकेलापन कम महसूस होता है। और यहाँ हम मेरा जो घर है ना वो दो मंजिल बना हुआ है नीचे भी और ऊपर भी, तो वहाँ पे थोड़ा अकेला अकेलापन ज़्यादा फील होता है क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी बड़ा है। और ये है मेरे पापा, क्योंकि आप सब लोगों ने बोला कि आपके पापा कहाँ हैं आप क्यों नहीं बताते, मैं कैसे बताऊँ आप ही बताओ मैं कैसे बताऊँ मैं क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये चीज़ें। लेकिन आप लोगों ने इतना पूछ लिया है ना घर के बारे में कि मुझे एक दिन स्पेशली वीडियो बनाना पड़ेगा इस चीज़ पे कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है मैं और मम्मी बैठे हुए हैं, अभी गए नहीं हैं, मम्मी बोली कि पहले ना जब तक वो चाय वाय पी रहे हैं यहाँ पे साइड में मामा जी के घर पे, मम्मी के चाचा के घर पे जीजा और बहन गए हैं, तो फिर मम्मी बोली जब तक तू मेरा पर्स निकाल के ला दे मैं पैसे वैसे निकाल देती हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि चाहे कितना भी मना करो लेकिन मतलब जब हम घर जाते हैं तो ये छोटी मोटी रिवाज कह लो या जो भी कह लो ये लाख मना करने के बाद भी देते ही देते हैं। हाँ ये हो जाता है कि हम मना कर करके 500 की जगह 10 रुपए पकड़ें कि मम्मी नहीं इतने नहीं इतने नहीं इतने नहीं, लेकिन हाँ उनको ज़रूर देना होता है कितनी भी कोशिश करो चाहे। तो यहाँ पर अभी हम जो है ना रास्ते में हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर, और अभी मैं आपको बताऊँ तो हमारे घर पर है ना ऊपर और नीचे दोनों जगह पर किराएदार छोड़े हुए हैं मम्मी ने, क्योंकि खाली भी नहीं छोड़ सकते आपको पता ही है खाली घर वैसे ही ढूंढ हो जाता है। और मैं तो एक बात बताऊं मुझे तो लगता है कि मतलब जो यहाँ पे किराएदार रहते हैं ना वो भी इतने मतलब नहीं केयर करते, अब वैसे भी हालत जो है काफ़ी ख़राब ही कर दी है उन लोगों ने, तो शायद वो मेरा वीडियो भी देखते हों लेकिन बदलते रहते हैं, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कौन है और कौन नहीं है क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ ना मैं जाती हूँ। मम्मी कहती है चल अपना घर देख के आएंगे, मैं कहा नहीं मम्मी मेरा मन नहीं करता। ये है वो कॉलेज जहाँ से हम पढ़े थे, देखो घर के बिल्कुल टच में है ये कॉलेज, मैंने आपको कई बार बताया। और ये ना ये मम्मी ने नहीं करवा रही है, पहले यहाँ पे पूरे में ये ग्रिल थी जाल से मतलब ढकी हुई थी पूरी, सॉरी ये लाइनर फैल गया, तो यहाँ पे ये ना एक दिन बंदर आया और बंदर ने इतनी ज़ोरों से हिला दिया कि मतलब जो नीचे बैठे हुए थे ना उनके सर पे ही वो गिर गई, मतलब वो ऐसे झुके और उनकी कमर में गिर गई जैसे उन्होंने नीचे झुका ना वो गिरती हुई देख के। तो फिर अब ये दोबारा पूरा मतलब इस तरह से बनवाया है बालकनी में, और ये दोबारा क्या बताऊँ दोबारा आपको घर जाके बताऊँगी। और ये है कॉलेज हमारा बिल्कुल घर के पास, आप देखो टीचर थे क्या इसमें?
टीचर नहीं थे बेटा इसमें पढ़ते थे ना, इसका मेन गेट, ये इसका मेन गेट नहीं है, ये बैक है, मेन गेट इसका उधर है, मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ। वैसे तो कॉलेज के कई गेट हैं, पहले दो ही हुआ करते लेकिन अभी तो तीन चार हो गए हैं, और एक गेट जो है मेरे घर से बिल्कुल पास में पड़ता है, तो हम तो इसी से आना जाना किया करते हैं। और मेरी कुछ कॉलेज टाइम की फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे वीडियो देखती हैं, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा, कहते हैं ना कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और मेरे पास एक ऐसा जरिया है, मुझे लगता है कि मैं मतलब जितना हो सके उतनी चीज़ें कैप्चर कर लूँ, तो यहाँ पर ये वीडियो तो जो है अनमोल बना रहा था, बहन का लड़का, तो उसने आपको थोड़ा सा सीन दिखाया कि देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रखा है। हाँ ये तो अच्छा हुआ कि आज गर्मी ज़्यादा नहीं थी, मौसम अच्छा था, वरना इतनी हैवी हैवी साड़ी पहन के ना जो परेशान हो जाते। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वीडियो में जब ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो आगे तक के लिए हो जाती हैं कि चाहे कभी भी आना जाना हो या ना हो, तो ये सारी चीज़ें तो साथ में रहेंगी ही रहेंगी। क्योंकि मैं इस बारे में आज ना आप लोगों से डीपली बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको पता है वॉइस ओवर में सुबह करती हूँ और आज है तीज का त्यौहार, तो मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहती। ये तो भाई हमारे घर की छत है सबसे ऊपर वाली, और ये कॉलेज पीछे उधर से भी दिखता है, देखो मैंने फ्रंट कैमरा कर रखा है ना, फ्रंट कैमरा से थोड़ा कम दिखता है, और ये खड़े दोनों जोड़ा और भाई ये है वो छत, वैसे तो ये कॉलेज की छत है, लेकिन हम इस पे ना संक्रांत के टाइम पे जो उड़ी उड़ाई पतंग आया करती ना उसको पकड़ के नीचे और ऐसे बैठ कर उसी को उड़ा लिया करते हैं, क्योंकि उड़ानी हमें आया नहीं करती यहाँ से जी जब। तो पता है इन्वर्टर वगैरह उस टाइम पे हुआ ना करते, तो पापा भी थे और मेरी बहन बड़ी वाली आई थी, वो सारे बच्चे बहन और हम सब ना यहाँ पे बिस्तर लगा के नीचे सो गए ऊपर वाली छत पे। अब जो जिन जिन की आंख खुलती गई वो तो नीचे नीचे जाते चले गए मतलब, और अब रह गए कौन कौन रह गया था, ये कौन कौन रह गया था, रुचि मैं ना रही थी, मैं तो नीचे पहुंच गई थी, रुचि रह गई थी, मेरी बड़ी वाली बहन रह गई थी, और बच्चे रह गए थे जो सबसे बड़ी वाली बहन के बच्चे हुए थे छोटे छोटे, जिस जो आज खुद मम्मी बन गई, जिसके कल पर वो एक महीने पहले बेटी हुई थी, वो रह गए, ये रह गई, और भाई मामा का लड़का आया हुआ था वो रह गया, बंदर आया और बंदर इनके ही कंबल में घुस के सो गया। टाइम ज़्यादा था नहीं, आप लोगों को पता ही है कि मैं तो जिस दिन जाती हूँ उसी दिन वापस आ जाती हूँ, मजबूरी है मेरी भी बहुत सारी, आप लोग बोलते हो कि रुक के आया करो रुक के आया करो, तो ये है हमारे घर का मेन गेट बिल्कुल हवेलियों की जैसा, जैसे पहले हवेलियों में लगे हुआ करते थे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं से एंड कर देती हूँ, अब हम आ गए हैं घर पे और अब हम आपसे मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।